बटा हुआ है ही हिंदू समाज और इसकी जड़ें धर्मशास्त्र में। यहाँ हाथरस हुआ था, भागवत साहब तो उस पर नहीं बोले, योगी जी उस पर नहीं बोले, बच्चा जो है मटका से पानी पीता है उसको मार देता है, मोहन भागवत उस पर नहीं बोले। जब देश का प्रधानमंत्री ही सांप्रदायिक नफरत फैलाए तो जाहिर है कि पॉलिटिकल लाभ उन्हीं को होना है। जब योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हैं? इलेक्शन के समय हिंदू खतरे में हो जाता है भारत में। दूसरे के छत पे चढ़ के आप प्रोसेशन निकालने गए हैं ना, विसर्जन करने गए हैं, दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था और पुलिस उस समय कहाँ थी? सर, बहराइच में जो पूरा मामला हुआ है, एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई है, झंडा टांगा था दूसरे घर पर जाकर उन्होंने, पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हत्या हिंसा का समर्थन तो कोई भी सिविल सोसाइटी असभ्य व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन राहत इंदौरी साहब सरहद पे तनाव की बात करते थे कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। लेकिन इस देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने, मुझे लगता है कि हर जगह, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, वो दलितों के संदर्भ में कहा था, उसी तरीके से इन लोगों ने जो माहौल बनाया है, गांव गांव गली गली मोहल्ला में ही एक तरह से सरहद बन गया है। और 12 तारीख को मोहन भागवत का जो बयान है उसको आप गंभीरता से देखिए, हिंदू एकता, दलितों के घर जाओ, माइनॉरिटीज़ पे बांग्लादेश पे बोल रहे हैं कि वहाँ हिंदू खतरे में है। पहले तो भारत में हिंदू खतरे में था, अभी भी इलेक्शन के समय हिंदू खतरे में हो जाता है भारत में। तो जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है ना, उससे पूरा सवालिया निशान पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार की मॉडल सप्रेंडी उस पर खड़ा होता है। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर आंदोलनरत रहते हैं। आपको पता है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर एक धरना लगाना हो तो पुलिस परमिशन, और परमिशन के बाद SHO से लेके और CID से लेके तमाम, IB से लेके तमाम ऐसे लोग फ़ोन करके 10 बार पूछेंगे कि भाई कितने लोग आएंगे, कौन वक्ता हैं, जंतर मंतर पे करो। तो एक तो परमिशन आजकल देने में दिक्कत कर रहा है, परमिशन दे भी देगा तो 50 तरह के सवाल उठते हैं। जब एक छोटा सा जो कि एकदम ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटी है यहाँ पर, और वहाँ पे इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा था, किस रूट का कहाँ क्या परमिशन मिला, ये शोध का विषय है कि जो प्रोसेशन है किस रूट से जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसा नहीं रहेगा, ये कहाँ लिखा पढ़ी हुई, किससे एक सस्पेंड हुआ अभी CO, तो उसका परमिशन किसने दिया कि उसी रूट से ये प्रोसेशन जाएगा। दूसरा है कि हमने कल एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पे, काफ़ी वो वीडियो तैर रहा है, जिस शायद उसी लड़के की हत्या हुई है ना, कि दूसरे के छत पे चढ़ के आप प्रोसेशन निकालने गए हैं ना, विसर्जन करने गए हैं, दूसरे के घर के छत पे चढ़ के और वहाँ से वहाँ झंडा उतार के फेंकना और वहाँ भगवा झंडा लहराना, इसकी इजाज़त कौन सा कानून दे रहा था और पुलिस उस समय कहाँ थी? उस समय यह भी दिख रहा है कि वहाँ भीड़ है, वहाँ पे वो अकेला व्यक्ति नहीं है, भीड़ है, और भीड़ जो है उसमें से कई लोग वीडियो भी बना रहे थे, उसी में से किसी ने वीडियो निकाला होगा, वायरल किया होगा, तो इंटेंशन साफ है कि कैसे भड़का। अगर ये आजकल सोशल मीडिया मोबाइल नहीं होता तो कभी पता भी नहीं लगता कि आखिर किसने कैसे क्या किया। दूसरी बात है कि देश में पिछले 2014 में मुझे याद है मुजफ्फरपुर घटना, याद होगा आप लोग को, मुजफ्फरनगर घटना, कि आखिर उस सांप्रदायिक माहौल बनाने से फ़ायदा किसको होता है? पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देखिए आप लोकसभा चुनाव के दौरान, सैकड़ों बार मुसलमान मंगलसूत्र तुम्हारा हक खा जाएंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे मुसलमान, कितनी बार आया, नफरत वाले भाषण थे, देश का वजीर आजम प्रधानमंत्री ये भाषण कह रहा था। क्या चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कोई एक्शन लिया, किसी ने कोई सवाल उठाए, एक्सेप्ट कि आप लोग और हमारे जैसे कुछ लोग, आम लोग? जब देश का प्रधानमंत्री ही सांप्रदायिक नफरत फैलाए तो जाहिर है कि पॉलिटिकल लाभ उन्हीं को होना है।
जब योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हैं? हिंदू को बोल रहे हैं, हिंदू को बोल रहे हैं ना। तो हिंदू में कौन कौन है? हिंदू दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, जाटव होगा, वाल्मीकि होगा, यादव होगा, कुर्मी होगा, जाट होगा, यही सब ना होगा। दलित, दलित, पिछड़ा। भागवत साहब भी कह रहे हैं कि भाई दलितों के यहाँ जाओ, उससे आत्मीयता बढ़ाओ। चुनाव के समय तो दलित के यहाँ जाते हैं खाना खाने, या बिस्लेरी का पानी लेके। हम तो बार बार इस दलित समाज को कह रहे हैं कि कभी अपने घर पे इनको मत बुलाओ। बोलो कि चुनाव के समय आए हो तो कम से कम अपने घर पे मुझे बुलाओ, अपने सोफा पे बैठाओ, अपने वॉशरूम का इस्तेमाल करने दो, अपने डाइनिंग टेबल पे खिलाओ, तब ना समरसता बनेगी। तो नरसिंहानंद जी, एक मिनट ठहर जाइए, अभी पूरा कंप्लीट ही कह देता हूँ, उसके बाद सवाल का आपके पास सवाल नहीं रहेंगे फिर। तो ये जाति व्यवस्था ही कहाँ, सोर्स क्या है? मनुस्मृति है ना, तो मनुस्मृति किसके खिलाफ लिखा गया है? मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया है? नहीं नहीं, मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ लिखा गया है। किसके खिलाफ लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है, खिलाफ छोड़ दीजिए, तो वो हिंदुओं के बारे में ही लिखा गया है। तो आज चाहे योगी साहब चाहे मोहन भागवत ये कह दे कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते, तब जाने। वो हिंदू महिलाओं के बारे में लिखा गया, उसमें हिंदुओं के बारे में लिखा गया है कि किसको क्या खाना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किसका काम क्या है, किसको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो जिस हिंदू की बात कर रहे हैं एकता की, तो कम से कम आप जो यहाँ हाथरस हुआ था भागवत साहब, तो उस पर नहीं बोले योगी जी, उस पर नहीं बोले। बच्चा जो है मटका से पानी पीता है उसको मार देता है, मोहन भागवत उस पर नहीं बोले। घोड़ी पे चढ़ने पे पीट देता है, मार देता है अधिकारी, पुलिस अधिकारी को भी पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है अगर दलित अधिकारी है तो, उस पर तो भागवत नहीं बोले। बोले बुलेट पे चढ़ने पे किसी को टेंशन हो जाती है, इस पर तो नहीं बोलते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक प्रायोजन है कि इलेक्शन जब आएगा तो एकता एकता की बात होगी। हम चाहते हैं ये बटा हुआ है ही हिंदू समाज, और इसकी जड़ें धर्मशास्त्र में है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, उनका धर्मशास्त्र ही कह रहा है, बाबा साहब ने विस्तार से लिखा है। ये बांटने वाला और कोई नहीं, वही शास्त्रकार लोग हैं जिन्होंने शास्त्र लिखा है। ये ऑलरेडी बटा है, और बटा है तो कुछ नहीं भैया, इनके अधिकार दे दो तब हिंदू एकता की बात करो। अधिकार तो दोगे नहीं, पीटों को भी इलेक्शन के बाद पिटाई शुरू हो जाती है। इलेक्शन तक जो है ना मरहम लेके सब घूमता रहता है, कहाँ है हिंदू एकता, लगाओ भाई ये सबको, जरा बर्नौल लगाओ, थोड़ा सा कहीं कहीं जला हुआ, पिछली बार पीटे थे। भाई एक बात बताओ, जाके नरेंद्र मोदी साहब पांव धो लिए थे इलाहाबाद में? तो पांव धो लिए थे तो सारे कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी हो गई, उसके बाद कोई गटर में अब नहीं मर रहा होगा, सबको परमानेंट हो गई होगी ना, सफाई कर्मी को ही परमानेंट हो गया होगा, संविदा पे नहीं होगा, 8,000-10,000 पे काम नहीं कर रहा होगा। तो इस समाज को समझना चाहिए ना कि जो जितना झुके, हमारे गुरु जी समझाते थे कि जो जितना प्यार से बात करे थोड़ा सावधान रहिएगा, जो जितना झुके गोल मोल मीठा मीठा बात करे उससे सावधान रहिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बहराइच अभी चुनाव 9 पे अभी घोषणा हुई है ना उपचुनाव, चुनाव के समय ही ये सब एक तरह से प्रायोजित है, ये मेरी समझ है। नहीं तो इतनी बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा पुलिस महकमा है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता था? यहाँ आप हम लोग एक रैली निकालते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आइए गेट में हम लोग 100 लोग बैठे रहते हैं, 300 पुलिस फोर्स रहता है वहाँ, और इतनी बड़ी रैली है, आप जानते हैं कि जिस मोहल्ले से गुजर रहा है वो किसी अन्य संप्रदाय का मोहल्ला है, वहाँ भीड़ में गाली गलौज हो सकता है, उल्टे पुल्टे नारे लग सकते हैं। तो प्रशासन क्या दूरबीन लेकर देख रहा था कि होने दो? योगी जी का आदेश तो आ गया है ना कि मतलब सख्ती से निपटा जाए। किससे निपटेंगे ये भी आपको नहीं बोले होंगे ना? नहीं, ये नहीं वो नहीं बोले हैं ना, आप बात समझिए, किससे ये नहीं बोलेंगे? अच्छे दिन आएंगे कभी नहीं बताएंगे, है ना, अच्छे दिन आएंगे कभी नहीं बताएंगे। वो पूरा आप दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है, सारा वीडियोग्राफी होता है, हम लोग भाषण करते हैं वीडियोग्राफी होता है पुलिस का, तो वहाँ पर इतना बड़ा प्रोसेशन था उसकी वीडियोग्राफी है? क्या स्लोगन्स ले बोले गए, क्या गाली गलौज किए गए, कोई बोला हा? कोई है उस पर कोई चर्चा है? वो झंडा कैसे फहराने चला गया, अगर ये तथ्य सही है तो कैसे वहाँ चला गया? और क्या पुलिस नहीं थी? आपके घर में कोई आदमी ऐसे घुस जाएगा आप क्या करेंगे? तो सर जो नरसिंहानंद जी यहाँ बोले थे डासना गाजियाबाद में, उसका रिएक्शन हुआ है बहराइच में? अब क्या हुआ नहीं हुआ आप लोग के सामने है, ऐसी नौकरी वोकरी खत्म हो रहा है ना, नहीं तो ये आरएसएस बीजेपी वाले ना
सबका शर्ट उट उतार देंगे, खेत में काम करवाएंगे जाके। चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इस घटना का सर? अब देखिए, अब क्या कहे, नेता लोग बताएंगे, लेकिन हम लोग तो लोगों को आगाह कर रहे हैं भाई, आगाह हो जाना कि ये चुनाव के समय ये सब होता है। हिंदू कुछ नहीं, जातियों का समूह है, यही हिंदू है। हिंदू टर्मोलॉजी भी 19वीं सेंचुरी का है। ये कहाँ धर्मशास्त्र में कहीं हिंदू लिखा हुआ है? ये सब ढकने के लिए, चादर ओढ़ाने के लिए है। दलित पिछड़ों अपने आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो उत्थान के काम है उस पर लड़ो। किसी भी बड़े आदमी का बेटा, किसी मंत्री का बेटा, किसी बड़े धनाढ्य का बेटा जो धर्म की रक्षा का दावा ठोक रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं धर्म की रक्षा करो, उनका बेटा किसी धर्म की रक्षा करने रैली में गया है? पहले ये बता देना मुझे, इतना समझने के लिए काफ़ी है। तभी भी तुम्हारे आंखें नहीं खुल रही है तो तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। किसी बड़े आदमी, मंत्री का बेटा, एमपी का बेटा धर्म की रक्षा करने गया है रोड पर? नहीं, वो किसानों पे ट्रैक्टर चलाने, जीप चलाने जरूर पहुंच जाता है, ये पता है ना, यदि याद दिलवाऊँ फिर, वो जीप चलाने जरूर पहुँच जाएगा, लेकिन धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा दलित पिछड़े करेंगे, और इनके बेटे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ेंगे, मल्टीनेशनल में काम करेंगे। तो इतना भी अगर हमारे लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही है तो इनका कोई भला नहीं कर सकता। भले अच्छा इंतजाम कर रहा है, सारा प्राइवेटाइज कर दे रहा है, एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो सबको एक मुश्त में जितने ये सब है सबको बोलेगा जो खेत में काम करो, जितना बीपी शुगर है सब कुछ दिन में ठीक कर देंगे। सर, योगी के राज में डीजे नहीं बजा सकते? योगी जी से पूछिए ना कि नहीं बजा सकते। वो सेलेक्टेड लोग बजा सकते हैं, सेलेक्टेड नहीं बजा सकते हैं। एक कहावत है अंग्रेजी में, शो मी योर फेस आई विल शो यू द रूल्स, अपना चेहरा दिखाइए उसी हिसाब से कानून बताऊंगा। तो उसी तरीके से जात बताओ नियम बताएंगे, धर्म बताओ नियम बताएंगे। तो इनसे आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप गुलवलकर जो है वो इनका संविधान है एक तरीके से, आप जाके उसमें पढ़िए ना मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है, ईसाइयों के बारे में क्या लिखा है, कम्युनिस्टों के बारे में क्या लिखा है, दलितों के बारे में क्या, दलित तो क्या हिंदू है बेचारा, अभी एक हनुमान अभी बैठे हुए हैं, हनुमान बीच बीच में उछल कूद मचाते हैं, लेकिन वो अगर रिजर्वेशन खत्म हो रहा है तो पासवान लोग का मिलेगा क्या, जो रक्षक बन के घूम रहे हैं? इसीलिए दलित सबको सचेत कर रहे हैं कि रक्षक बन के घूम रहे हो, जब सब खत्म हो जाएगा तो बच्चे तुम्हारे स्कूल में ना जा पाएंगे। एक सवाल हो रहा आपसे, कुछ ऐसे गाने आ गए हैं कि राम राम चिल्लाएंगे, बहुत चल रहा है हर जगह, सब पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, कार्रवाई कौन करेगा? संयम भाई कोतवाल तो अब कहे का। मैं हम लोग अभी एक जगह गए थे यूपी में, किस जगह पे मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, शायद सुप्रिया श्रीनेत्र का इलाका है, वो जगह का नाम महाराजगंज से अलग कुछ जगह था, डुमरियागंज सॉरी, वहाँ गए थे, वहाँ भी देख रहे थे रास्ते पे यही गाना बज रहा था। हम लोग शरीफ की तरह अपना गाड़ी साइड में कर लिए कि इतने बड़े बड़े बहादुर सेनापति यहाँ सड़क पे हैं, हाँ बहुत बड़े बड़े सेनापति, घर में खाने का ठीक नहीं होगा, अगला शाम खाना मिले जो चेहरा मोरा देख के लग रहा था ये खाने का ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ इन लोगों को खिला पिला देता है जिससे जोश ज़्यादा आ जाता है। बकरी तो कटेगी नहीं, मूल्य काटे जाएंगे, है ना चीटी तो मरेगी नहीं, वही भीड़ हटा दो, अजरा अकेले साइड में पूछना था जा गाओ तो अब कैसे गा रहे थे? असली राम भक्त तो वही है सर, गाओ जरा। जैसे हमको भी मान लो कोई धमकी देता है तो हम ले धमकी दे लिए, अब साइड में अकेले आओ जरा इधर। तो ये कायरता की पहचान है, भीड़ में जाके एक व्यक्ति को मार देना, भीड़ में गाली देना, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं नेपोलियन बोनापार्ट बन के घूम रहे हैं, घर में पता लगा कि घर में गया तो माँ अब पिताजी छोटा लेके डंडा लेके पीछे पड़ी हुई है, कमाता का है नहीं है, तो वो वहाँ भी बज रहा है, लेकिन उसको राजकीय संरक्षण है, कोई पुलिस कुछ नहीं करता है वहाँ पर, हमने देखा है खुद। तो क्या कहिएगा, ये तो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि इसके खिलाफ लोगों को जागरूक करें, माहौल बनाएं, आंदोलन करें, सिर्फ वोट आपको चाहिए, लड़े है कौन? शुक्रिया, थैंक यू।